हेलो जी नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। तो आज स्नैक्स की एकदम बढ़िया रेसिपी, सोया चिली चाप। जो चाप है मैंने फ्रोजन वाले यूज किए, ठीक है। जब भी फ्रोजन वाले लें उनको थॉ करें, थॉ करने के बाद धो लें अच्छे से और इस तरह से ये आइसक्रीम के स्टिक्स निकाल लें। और नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं आपको बताऊं, यहाँ पे कट कर लेना इस तरह से, ज्यादा बड़े बड़े मत करिएगा, इस तरह से यू कैन कट दिस वे डायगोनली। वाह क्या बात, चार सोया चाप लिए हैं। फ्रोजन सोया चाप जो हैं ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, ठीक है जी, या कैन में मिलेंगे या पैकेट में मिलेंगे। कैन में भी मिलेंगे तो वो थोड़े सॉल्टेड ब्राइन सॉल्यूशन में रहेंगे, उनको ज़्यादा अच्छे से धोइएगा, गर्म पानी में धोइएगा, तब वो सॉल्ट कम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रोजन लिया तो ये थोड़े से कम सॉल्टेड होते हैं। अब एक ट्रिक और टिप आपके लिए, अब क्या है सोया चाप में ना, इसमें जो क्रिस्पीपन लाना है अपना, क्रिप्सीपन जिसको हम पंजाबी में क्रिप्सीपन कहते हैं, वो लाना होगा। तो आपको थोड़े तेल में फ्राई करना है, बैटर फ्राई नहीं, डायरेक्ट फ्राई करेंगे, ठीक है, जस्ट टू गेट अ बेटर टेक्सचर। तो यहाँ पे लगभग दो बड़े चम्मच तेल के हमने ले लिए, साथ ही साथ प्लेट ले लेते हैं, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। ये टिश्यू पेपर, तेल गरम करते हैं अच्छे से इस तरह से। मैं कढ़ाई में सारा तेल रोटेट कर रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है वो स्टील की है और ये जो सोया चाप है ये सोया फ्लावर और मैदा से बना हुआ, तो जब मैं इसमें डालूंगा साइड में लगेंगे तो चिपक जाएंगे ना। कोशिश यही है कि इस तरह से टेम्पर करना कहते हैं, एक बार टेम्पर हो जाए तो ये सोया चाप डालें और अच्छे से फ्राई कर लें, इसको शैलो फ्राइंग कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा, एक बढ़िया क्रिस्प टेक्सचर आउटर लेवल पे आएगा, अंदर सॉफ्ट रहेगा। चलिए बढ़िया, ये हमने अच्छे से इनको सौते कर लिया, थोड़ा सा फ्लेवर एनहेंस हो गया है यहाँ पे, ठीक है जी, मकसद यही था। चलिए बढ़िया, अब जितना सोया हमने लिया है यानी चार सोया चाप लिए, उसके हिसाब से एक टीस्पून गार्लिक, जिंजर एक टीस्पून, हरी मिर्चें चॉप्ड वाली तीन और प्याज एक छोटा वाला चॉप ले लें, हाई फ्लेम पे सौते कर लें। अब इसमें ये जो स्लिट वाली चिली है ये भी डाल ली हमने, एक प्याज के इस तरह से चौकंडी जैसे जग्गू दादा कहते हैं राइट, चौकंडी काट लेना, और बेल पेपर कैप्सिकम इसके भी चौकंडी काट लेना, ठीक है जी। ये लीजिए वाह क्यूब्स काट लिए हमने, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट एकदम कम डालूंगा यहाँ पे मैं, वो क्यों मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्पाइसेस डाल लेते हैं अभी फटाफट, सोया सॉस एक बड़ा चम्मच, रेड चिली सॉस 1.5 टेबल स्पून, डेढ़ बड़ा चम्मच सोया यूज किया उसके हिसाब से, ग्रीन चिली सॉस एक बड़ा चम्मच, टमाटो केचप एक बड़ा चम्मच, ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, ब्लैक सॉल्ट 1/4 छोटा चम्मच, चाट मसाला ये भी 1/4 छोटा चम्मच। ये इंडियनाइज किया हुआ है इसीलिए मैंने सॉल्ट शुरू में कम डाला है, क्योंकि सोया ठीक है उसमें सॉल्ट, सॉसेस उसमें सॉल्ट, सभी में सॉल्ट है, इसी कारण मैंने नमक कम डाला। अब ये जो सोया है ये डाल लेते हैं, हल्का सा पानी, थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा नहीं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ऐड कॉर्न स्टार्च, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैदा और सोया दोनों फ्लावर है जिसके कारण मैं कॉर्न स्टार्च नहीं ऐड करूँगा। इसमें पानी भी इसलिए डाला है ताकि ये जो कोटिंग है वो अच्छे से हो जाए, और तब तक पकाएंगे जब तक ये मिश्रण ड्राई नहीं हो जाता। कॉर्न स्टार्च डाल के मैं इमीडिएटली निकाल सकता हूँ बट आई विल नॉट डू इट, क्योंकि सोया मैदा
फिर आप खाने के बाद कम्प्लीटली सोया है ना, आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। ये देखिए बढ़िया, अब ड्राई हो गया, कॉर्न स्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट, टेक्स वेरी लेस टाइम और कम्प्लीटली ड्राई, मस्त एकदम। फाइनली इसमें हरा प्याज ये डाल लेते हैं, हरा धनिया एक बड़ा चम्मच, हरे प्याज की दो डंडियां ले लें, उसको चॉप कर लें, थोड़ा सा मिश्रण में डाल दें, बाकी गार्निश के लिए रख लें। दिस इज नाउ डिलीशियस, एकदम बढ़िया तैयार हो गया जी, और हम परोसने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, देखिए वाह, इस पे हरा प्याज थोड़ा सा, ठीक है जी। ये रही बढ़िया सोया चिली तैयार, भाई परिवार को कभी कभार खाने की इच्छा हो तो बना के खाइए और मज़े लीजिए इसके।